बाड़मेर जिले में रविवार देर शाम और सोमवार को हुए अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। सोमवार को बालोतरा क्षेत्र के परेव गांव में नीलगाय को बचाने के चक्कर में एक बोलेरो पलट गई जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। इसी तरह रविवार देर शाम चौहटन के दूधवा सरहद में बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी, इससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने बाइक सवार को चौहटन CHC पहुंचाया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बाड़मेर स्थित जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। बाड़मेर में इलाज के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। बाड़मेर जिले में रविवार देर शाम और सोमवार को हुए अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। सोमवार को बालोतरा के गिड़ा क्षेत्र के परेव गांव में नील गाय को बचाने के चक्कर में एक बोलेरो पलट गई, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए। बोलेरो गाड़ी में एक ही परिवार के 10 लोग सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, मृतकों के शवों को गिड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वही घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए बालोतरा नाहटा अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस के मुताबिक सोमवार दोपहर करीब 12 बजे रामसर क्षेत्र के भाजपा निवासी एक ही परिवार के 10 लोग बोलेरो गाड़ी से गाँव के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पाटौदी जा रहे थे। गीड़ा के परेव सड़क मार्ग पर नील गाय के बीच में आ जाने से बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। इससे भाजपा निवासी ईसा खान पुत्र पादी खान, लूणा खान पुत्र जिदे खान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गाड़ी में सवार 6 लोग गंभीर घायल हो गए। जानकारी मिलने पर गीड़ा पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त गाड़ी को हटवा कर जाम को खुलवाया। इसी तरह चौहटन के दूधवा गांव में एक बाइक पर जा रहे शिक्षक को बोलेरो कैंपर ने टक्कर मार दी, इससे बाइक सवार के सिर पर चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद शिक्षक को जिला अस्पताल रेफर किया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पद्माराम जी अध्यापक है जो देताड़ी लगे हुए थे, जो बाड़मेर से अपने गाँव घर जा रहे थे, सामने से एक बोलेरो कैंपर के चालक ने तेज गति लापरवाही चलाई जिसमें टक्कर हुई, जिसमें घायल हुए। घायल को प्राइवेट वाहन से हॉस्पिटल छोटन के लिए रवाना हुए, बीच में एम्बुलेंस में सरकारी में हॉस्पिटल छोटन लाए। छोटन से गंभीर स्थिति होने से तुरंत बाड़मेर के लिए रेफर किया और वहाँ बाड़मेर में पहुँचने से डॉक्टर ने चेक करने पर मृत घोषित किया, जिसकी आज इनके पति वीरेंद्र ने रिपोर्ट दी है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया। वही पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। चौहटन थाने के ASI नैनाराम के मुताबिक धारासर के आईदान की ढाणी निवासी शिक्षक पद्माराम उम्र 30 वर्ष रविवार रात 8 बजे बाड़मेर से अपने गाँव की तरफ जा रहा था। सामने से आ रही बोलेरो कैंपर गाड़ी ने बाइक को दूधवा गांव के पास टक्कर मार दी जिससे शिक्षक गंभीर घायल हो गया। निजी गाड़ी से उसे चौहटन अस्पताल पहुंचाया गया, वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस से बाड़मेर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाड़मेर में डॉक्टर ने शिक्षक को मृत घोषित कर दिया।